सच ही बोलता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो आजकल का जो स्टेट है और जो जिस फेस में है वो लोग देख के थोड़ा आई फील सॉरी। रविचंद्रन अश्विन बताता हूँ, मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को देख करना तरसा रहा है, कहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है। अश्विन ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो बात की, अश्विन ने आज आपकी गलती ही आपको आइडेंटिफाई कराई, लेकिन वो गलती भी इतनी खूबसूरत लग रही कि नहीं यार देखो बंदा सही तो कह रहा है, इसको अफसोस हो रहा है, हमारे यहाँ किसी को अफसोस नहीं हो रहा। लेकिन अश्विन ने भी उधर ये बात किया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे तरस आ रहा है, अश्विन ने ये बात किया कि मैं मतलब सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे तरस आ रहा है। ये जाहिर है कि अश्विन ने देखे हैं, तो अश्विन उस पे जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम की जो हालत है वो बड़ी नाकस, बड़ी मतलब दिल को अच्छी फीलिंग नहीं आती। दो लोग हार गए थे, फिर बाबर ने रिजाइन किया, फिर अफरीदी को कैप्टनसी दिया था, फिर वापस बाबर को लिमिटेड ओवर्स देकर शान मसूद को टेस्ट मैच क्रिकेट में कैप्टन बना था, और हाल देखो कि होम में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ही नहीं जीता है। आई मीन बहुत दिन से टेस्ट मैच नहीं जीता, शायद 1000 दिन में टेस्ट मैच नहीं जीता, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारा दुबाओ क्रिकेट बोर्ड चूंकि पांव पे खड़ा ही नहीं होता, क्रिकेट बोर्ड पांव पे खड़ा नहीं होता। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के कप्तान थे बाबर आजम, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आज क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम सोचेंगे बहुत टाइम पड़ा है, अभी कहाँ बहुत टाइम पड़ा है, 3 हफ्ते रह गए आपको वनडे के लिए, आपने सिलेक्शन कमेटी को टास्क नहीं दिया कि टीम बनाएं और कप्तान का बताएं, तो टीम कप्तान के बगैर कैसे बनाएगी, पहले तो कप्तान बनाएं बाद में टीम बनाएं। तरबियतों का मामला होता है, अश्विन ने बताया कि भाई साहब जो घर से वो तरबियत लेकर आया ना वो आउट क्लास है। आपने हमारे यहाँ देखा ना कितनी ऊंची हरकतें करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, लेकिन हमारे यहाँ की वो जब स्पेशल इंडियन क्रिकेट पे कमेंट करना, अश्विन एक इंडिया का बंदा है, इंडियन टीम में खेलता है, वो कह रहा है यार मुझे तरस आया है। सोचो फिर मेरे जैसे जो लॉयल फैन है, मुझे रोना आ रहा है, जो लॉयल फैन है उनके साथ क्या बीतरी होगी, क्या बीतरी होगी कि जब मैं इस टीम को देखता हूँ। ये कहना था कि पाकिस्तान की टीम आगे जाके पता नहीं, लेकिन अब शायद कब वो टाइम आएगा, एट द मोमेंट तो नजर नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच अश्विन जी, आपको थोड़ी फिक्र है, लेकिन ये जो क्रिकेटर खेल रहे हैं पता नहीं इनको फिक्र है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, अश्विन ने जो पाकिस्तानियों को ढो डाला, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, उनका मानना है कि बार बार कप्तानी बदलने से टीम के मनोबल और एकजुटता पर असर पड़ता है। अश्विन ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की वर्तमान स्थिति और भी जिस दौर से गुजर रही है उससे मुझे थोड़ा दुख होता है। और दोस्तों इसी को लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, परेशान है, जैसा कि आपने रिएक्शन देखा। दोस्तों रिएक्शन में आएंगे, बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का जो आजकल का जो स्टेट है और जो जिस फेस में है वो लोग देख के थोड़ा आई फील सॉरी एज क्रिकेटर्स। मैं एक क्रिकेटर के तरफ से अगर देखा जाए तो ये जो क्रिकेटिंग कंट्री है इज अ प्राउड क्रिकेटिंग कंट्री, और इनके पास कहाँ स्किल नहीं है, इतने सारे स्किलफुल प्लेयर्स है, और कभी कभी ऐसा उनका वो जो ये म्यूजिकल चेयर बोलते हैं यार सच्ची में, क्योंकि इतना म्यूजिकल चेयर हम बांटते रहेंगे, गाना चलते रहेगा हम बांटते रहेंगे और चेयर पकड़ने के लिए हम सोचेंगे, वैसा आप सोच लो एक 2023 का वर्ल्ड कप मैं वो लोग हार गए थे, फिर बाबर ने रिजाइन किया, फिर अफरीदी को कैप्टनसी दिया था, फिर वापस बाबर को लिमिटेड ओवर्स देकर शान मसूद को टेस्ट मैच क्रिकेट में कैप्टन बना था, और हाल देखो कि होम में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ही नहीं जीता है। आई मीन बहुत दिन से टेस्ट मैच नहीं जीता, शायद 1000 दिन में टेस्ट मैच नहीं जीता, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है मिला है। थोड़ा बॉलिंग में उनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा लाइट लग रहा है मुझे, मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट में ना वो टैलेंट्स आते रहेंगे, उनको कैसे ग्रूम करें वो इंपॉर्टेंट है। मुझे ये फील है कोई तो वो लीडर आइडेंटिफाई करके उसके साथ उसके पास छोड़ना चाहिए टीम को, और देखते हैं क्या होगा आगे। अभी इंग्लैंड भी आ रहा है पाकिस्तान को 3 टेस्ट खेलने के लिए, लास्ट टाइम पाकिस्तान हार गए, सो इस बार मैं देखूंगा। और रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ बातें की हैं और बड़ी जबरदस्त बातें हैं, वो सब एक एक बात एक एक लफ्ज बिल्कुल जबरदस्त है, मगर वो हकीकत बयान की है पाकिस्तान क्रिकेट की। उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को देख करना तरसा रहा है, कहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें डेंजरस क्रिकेटर्स थे, जबरदस्त किस्म के जो दूसरी टीमों को डराने वाले क्रिकेटर्स थे वो थे पाकिस्तान टीम के अंदर। उन्होंने बोला आज देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, म्यूजिकल चेयर शुरू हुई है, पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे, 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, फिर कप्तान बना दिया शाहीन अफरीदी को, फिर दोबारा बाबर को बना दिया, टेस्ट का शान मसूद को बना दिया, आज फिर बाबर आजम रिजाइन कर गए, अब फिर कप्तानी के बारे में कुछ पता नहीं है, इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान टीम में, गैर तसलसल समझ लीजिए या गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, कुछ पता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी है। फिर अश्विन ने कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है सबके मन में होता है कि मैं अपने देश की कप्तानी करूं, लीड करूं। उन्होंने बोला ये होता है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बट आपको जो मौजूदा कप्तान है उसको फुल सपोर्ट करना है, दिलो जान से सपोर्ट करना है, उसको कामयाब बनाना है, कल आपकी बारी भी आ जाएगी। ये सीख है दोस्तों, जैसे हर प्रोफेशन में जैसे आप कहते हैं ब्रॉटअप होना किसी का, हर चीज़ में होता है, प्रोफेशन में भी होता है, ये फर्क है, और ये आपको दिख रहा है। आप इंडिया टीम का देखें ना, फर्क देखें, कोहली कप्तान नहीं थे, दोबारा मतलब कोहली कप्तान से हटे हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया रोहित शर्मा का, जब धोनी हुआ करते थे पूरी टीम ने धोनी का साथ दिया, आज रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं, कल कोई बनेगा
उसका सब साथ देंगे, क्योंकि कल्चर चल रहा है हमारे माजरत के साथ, हमारा कल्चर वसीम अकरम के टाइम से उठा के देख लें, वसीम अकरम, राशिद लतीफ, आमिर सुहेल, वकार यूनस, जमाउल हक, हर टीम में 8-8 तो कप्तान होते थे, और मसला ये आता था कि कप्तान का मसला होता था, दूसरा आता था, फिर दोनों का आपस में चक्कर लग जाती थी, क्योंकि ऑन मेरिट तो कप्तान बनता नहीं था, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अभी भी आप देख लीजिए, अभी उन्होंने मतलब उन्होंने बात की ना कि एक दूसरे के लिए जान देने वाला होना चाहिए खिलाड़ियों को, अश्वन ने कहा तो हमारे थे, ये शाहीन अफरीदी थे ना जो रेड लाइन बना के बैठे थे बाबर आजम को कि मेरी रेड लाइन है, कोई नहीं, कोई इसको कुछ कहेगा तो सोचना भी ना, ये खड़े हुए थे शाहीन अफरीदी, कभी किसी दुनिया में क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम का खिलाड़ी खड़ा हो जाए कि मेरे कप्तान के बारे में किसी ने कुछ नहीं गलत कहना, ना उसको हटाने बात भी नहीं करनी, सोचना भी नहीं है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारा दबाव क्रिकेट बोर्ड चूंकि पांव पे खड़ा ही नहीं होता, क्रिकेट बोर्ड पांव पे खड़ा नहीं होता। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के कप्तान थे बाबर आजम, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आज क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम सोचेंगे बहुत टाइम पड़ा है, अभी कहाँ बहुत टाइम पड़ा है, 3 हफ्ते रह गए आपको वनडे के लिए, आपने सेलेक्शन कमेटी को टास्क दे दिया कि टीम बनाएं और कप्तान का बताएं, तो टीम कप्तान के बगैर कैसे बनाएगी, पहले तो कप्तान बनाएं बाद में टीम बनाएं। अश्विन ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो बात की, सो जब जब अश्विन कुछ बोलते हैं वो इंप्रेस कर जाते हैं यार, अश्विन को मैं ये कहूंगा कि अश्विन ने आज पाकिस्तान क्रिकेट का सही हाल नहीं बताया, सिर्फ सही हाल नहीं बताया, अश्विन ने दिल जीते, तरबियतों का मामला होता है, अश्विन ने बताया कि भाई साहब जो घर से वो तरबियत लेकर आया ना वो आउट क्लास है। आपने हमारे यहाँ देखा ना कितनी ऊंची हरकतें करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स, लेकिन हमारे यहाँ की वो जब स्पेशल इंडिया इंडियन क्रिकेट पे कमेंट करना हो, अश्विन ने आज आपकी गलती ही आपको आइडेंटिफाई कराई, लेकिन वो गलती भी इतनी खूबसूरत लग रही कि नहीं यार देखो बंदा सही तो कह रहा है, इसको अफसोस हो रहा है, हमारे यहाँ किसी को अफसोस नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एक वो फॉर्मर क्रिकेटर है वो ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ प्लेयर्स का केस लड़ते हैं, वो इतने बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से, स्पेशली अपने यहाँ तो छोड़ो इंडिया को तो छोड़ो, इंडिया के टॉपिक पे तो आदमी बदतमीजी करता ही करता है, अपने यहाँ वो लोगों से इतनी बदतमीजी करता है, समझता है मैं बहुत कोई खरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात पे असर होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि वॉल्यूम के डेसिबल्स बढ़ा लेने से और बदतमीजी कर लेने से और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप क्रिकेट के ज्यादा बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो यही बात अश्विन की है कि उसकी खुद की इज्जत है ना, तो किसी पे तनकीद भी कर रहा है तो इतनी इज्जत से कर रहा है कि वो तनकीद आपको ऐसी लग रही है कि वो असर दे रही है। सही बोला अश्विन ने कि एक प्राउड क्रिकेटिंग नेशन, लेकिन अश्विन ने भी उधर ये बात किया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे तरस आ रहा है, अश्विन ने ये बात किया कि मैं मतलब सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे तरस आ रहा है, उधर उसने ये नहीं बोला कि बाबर आजम पे तरस आ रहा है या रिजवान पे तरस आ रहा है, बोला है कि पाकिस्तान पे तरस आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट पे तरस आ रहा है कि ये इतनी 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 प्राउड क्रिकेट नेशन होके इन्होंने इतने इतने बंदे प्रोड्यूस किए हैं, हमारे पाकिस्तान में से बंदे निकले हैं, शुएब अख्तर निकला है, वसीम अकरम निकला है, मतलब इतने इतने प्लेयर निकले हैं यार, इंजमामुल हक निकला, जो भी वो आलू है लेकिन निकला तो है ना, मतलब प्लेयर निकले हैं यार, और सईद अजमल, मतलब आप ऐसे ऐसे स्पिनर निकाल लो, मतलब बता कहते यार अच्छे स्पिनर है, मैच जिताने वाले स्पिनर थे, मैच जिताने वाले बैट्समैन निकले, मैच जिताने वाले फास्ट बॉलर निकले, और आज इस टीम का हाल देख लो, वैश्विन कह रहा है कि पाकिस्तान टीम के पास तो स्पिनर भी नहीं है, मतलब ये स्पिनिंग में भी लैग कर रहे हैं, इनके फास्ट बॉलर की पेस गिर चुकी है, इनके बैट्समैन नहीं है रन करने वाले, तो भाई हर बंदा आपको देख रहा है। अश्विन ने यह भी बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत गंदा डाउनफॉल चल रहा है, देख के दुख होता है, ऑब्वियसली बात है, अश्विन एक इंडिया का बंदा है, इंडियन टीम में खेलता है, वो कह रहा है यार मुझे तरस आया, सोचो फिर मेरे जैसे जो लॉयल फैन है, मुझे रोना आ रहा है, जो लॉयल फैन है उनके साथ क्या बीतरी होगी, क्या बीतरी होगी कि जब मैं इस टीम को देखता हूं, अब ये सिचुएशन आ गया कि यार घर में हम लोग हार रहे हैं, और शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, रुला रुला के हमारा दिमाग खराब किया है आप लोगों ने। अश्विन ने एक दफा फिर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए वो कह रहे हैं बहुत ही फीलिंग आ रही है, बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, और बात भी ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी अब बेचारों का क्या कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट फैन का, और बात ठीक है, अश्विन जो है वो बंदा बड़ा बेहतरीन और बड़ा शानदार, वो बात करता है फेयर, बात करता है सीधी, बात करता है शानदार, और उसने बोला है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूं, बिकॉज पाकिस्तान की टीम की जो हालत हो गई है वो बहुत नाकिस हो गई है, और कह रहे हैं जी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कभी बाबर आजम कैप्टन है, कभी फिर एक सीरीज के लिए वो शाहीन बनता है कैप्टन, फिर अगली सीरीज के लिए शान मसूद एक के लिए बन जाता है, फिर बाबर छोड़ जाता है, फिर उसमें यह तो उसने प्लेयर्स की बात की है, तो बोला कि पाकिस्तान एक प्राउड नेशन रहा है, प्राउड, लेकिन अब ये जो बेशर्मी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं इनको एहसास नहीं है कि जो अब अश्विन जाहिर है कि क्रिकेट देखते हुए बड़ा हुआ है, ये जाहिर है कि अश्विन ने देखे हैं, तो अश्विन उस पे जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम की जो हालत है वो बड़ी नाकस, बड़ी मतलब दिल को अच्छी फीलिंग नहीं आती, ये कहना था कि पाकिस्तान की टीम आगे जाके पता नहीं, लेकिन अब शायद कब वो टाइम आएगा, एट द मोमेंट तो नजर नहीं आ रहा, एट द मोमेंट नजर नहीं आ रहा कि जाके कब जाके ठीक होगा। तो खैर थैंक यू वेरी मच अश्विन जी, आपको थोड़ी फिक्र है, लेकिन ये जो क्रिकेटर खेल रहे हैं पता नहीं इनको फिक्र है कि नहीं।